स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैकेनिक्स में चैप्टर है आपका मशीन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है काफी सरल और आसान आती है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके पहले एक वीडियो बनाई थी मशीन पर आधारित, जिसमें हम लोगों ने मशीन, प्रयास, आलंब, भार, यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और आपके मशीन दक्षता पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सीखा था। यदि आपको इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने सही से देखी है और इन सभी टॉपिक को यदि आपने कवर किया है, समझा है, तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखने के बाद फिर आप इसको देखेंगे। इसको इस वीडियो का जो लिंक है वो लास्ट में दे दिया जाएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी इसके पहले वाली वीडियो खोजने में। तो शुरुआत करते हैं पहले कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है मशीन चैप्टर की। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी भार उठाने वाली मशीन द्वारा, एक ऐसी मशीन जो भार को उठाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 50 न्यूटन के प्रयास द्वारा, 50 न्यूटन का प्रयास लगाकर 1000 न्यूटन का भार ऊपर उठा सकते हैं। मतलब 1000 न्यूटन का भार उठाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 50 न्यूटन का प्रयास लगाना पड़ेगा। परंतु जब भार 20 सेंटीमीटर ऊपर उठता है या फिर विस्थापित होता है, तब प्रयास 800 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है। मतलब यहां जब भार को उठाते हैं तो हमारा जो भार है वो 20 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है और प्रयास हो जाता है 800 सेंटीमीटर विस्थापित। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमें यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और मशीन दक्षता ज्ञात करनी है। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और मशीन एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। तो पहले तो समझते हैं कि एक मशीन कैसी है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ये मशीन है, ये है इस पर टेप। अब क्या है कि इस पर एक तरफ 50 न्यूटन का हमने क्या किया, यहां पर प्रयास लगाते हैं। तो क्या होता है, यहां पर जो भार है वो हमारा 1000 न्यूटन का भार हमारा उठ जाता है। मतलब हमें क्या करना है, 50 न्यूटन का प्रयास लगाने पर हम 1000 न्यूटन का भार उठा सकते हैं। परंतु भार क्या होता है, 20 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है और प्रयास क्या होता है, 800 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है। मतलब क्या है, प्रयास की तरफ से विस्थापन कितना है, 800 सेंटीमीटर और यहां से क्या है, 20 सेंटीमीटर विस्थापित, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब देखिए प्रयास हमारा क्या है, P, यहां पे लिखेंगे गिवन, क्या हमें दिया हुआ है, आंसर गिवन में दिया हमें पहले पी दिया हुआ है 50 न्यूटन और डब्ल्यू दिया है 1000 न्यूटन, ठीक है। अब भार 20 सेंटीमीटर उठता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, कहां से, भार की तरफ से। तो भार की तरफ से डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हमने एक्स कर दिया 20 सेंटीमीटर। प्रयास से कितना विस्थापन होता है, बाई हमारा कितना है, 800 सेंटीमीटर। क्लियर। अब
बात करते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं, इसे शॉर्ट में कहते हैं एम ए, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ इक्वल टू होता है आपका डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू क्या है आपका भार और पी है प्रयास। तो भार हमारा कितना है, भार है हमारा यहां पर 1000 न्यूटन और प्रयास हमने कितना लगाया 50 न्यूटन। तो ये क्या हो गया 0 से 0 और आपने क्या किया 5 × 10 2 और 0 ये आ गया न्यूटन। एम ए आ गया हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया हमारा 20 न्यूटन। क्लियर, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 20 न्यूटन आ गया। ये पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। अब हमें ज्ञात करना है वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो। इसको क्या करते हैं, वी आर वेलोसिटी रेशियो, वी आर इज इक्वल टू ये होता है आपका वाई अपॉन एक्स। सेकेंड कंडीशन है, पहली कंडीशन हमारी ये फुल हो गई। दूसरी है वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो में क्या है, बाई अपॉन एक्स। बाई क्या है, बाई है पी की तरफ से विस्थापन, ठीक है, और एक्स क्या है डब्ल्यू की तरफ से विस्थापन। तो यहां पे लिख दिया 800/20। इसको ये काट दिया और कितने आ गए आपके 2×8 = 4 और 0, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो आ गया हमारा 40, ठीक है। अब हमें तीसरी कंडीशन पर चलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन कहती है हमें मशीन की दक्षता निकालनी है, मशीन की क्षमता कितनी है। तो दक्षता हमारा अक्सर आता है प्रतिशत में, तो इसको डिनोट किया जाता है ईटा से। ईटा इक्वल टू हो जाता है आपका एम ए अपॉन वी आर, यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इसका जो रेशियो आता है वो हमारा ये दक्षता कहलाएगा। तो अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना है, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया था हमारा 20 न्यूटन अपॉन वेलोसिटी रेशियो कितना है आपका 40, ठीक। इसको आपने काटा 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू कितनी 0.0 बढ़ाया और आ गए 5.5। ईटा की जो वैल्यू आई 0.5। अब हमें इसको क्या करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत में आ जाएगा आपका 0.5 है 50% लीजिए। मशीन का यांत्रिक लाभ आया 20 न्यूटन, वेलोसिटी रेशियो आया 40 न्यूटन और इसकी दक्षता आई 50%। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको क्या करना है, इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देखना है। तो आप ये न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल सभी आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको ये क्वेश्चन आसान लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया होगा। और यदि आपको इस न्यूमेरिकल में कहीं डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।